हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम क्यों लग रहा है और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं उनको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए अपना एडमिशन लेटर आने के बाद सबसे ज़्यादा। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 200 प्लस मेंबर्स हो गए हैं और ये सब वही मेंबर हैं जिन्होंने NCHM सिटी का एग्जाम दिया है फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज। आफ्टर योर काउंसलिंग प्रोसेस, जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी तो हम यहाँ पे ऑनलाइन नोट्स शेयर करेंगे जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और गाइस, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे हॉस्टल के ऊपर वीडियो, प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो और कौन कौन सी बुक्स से IHM में पढ़ना चाहिए उन बुक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं जानता हूँ अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए डाल दिए हैं, लेकिन उन्होंने 30 तरीके डाले हुए हैं। 1 तारीख हो गई आज की, 2 तारीख भी हो गई, किसी का अभी तक नहीं आया है, या किसी का 8 बजे तक आ जाएगा, किसी का 9 बजे तक आ जाएगा। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं कि कुछ अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है हमारे, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं उन लोगों को यहाँ पर एक क्लियरली बात बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, तो गाइस बिल्कुल मत घबराइए। आप प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश करिए, ये फाइनल राउंड है, इसमें लगभग 17 से 18 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सब बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने हैं। तो कई जो रिपोर्टिंग सेंटर है हमारे पास, सिर्फ 16 या 17 ही रिपोर्टिंग सेंटर है, सब में बहुत सारे टीचर्स इस टाइम पे नहीं है, कोरोना का टाइम भी चल रहा है, 50% स्टाफ काम कर रहा है, और आज तो 2 अक्टूबर भी था तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा होगा, तो आपको पता ही है वर्क फ्रॉम होम में लोग थोड़े लेजीनेस से काम करते हैं। तो आज बहुत ही कम लोगों का ही लेटर आया है, एडमिशन लेटर हम जिसे बोलते हैं। जिन लोगों का नहीं आया उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है गाइस, अभी हमारे पास 4 दिन और हैं, इन 4 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है आपका कल आ जाए, परसों आ जाए, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। जब आपका आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड NCHM सिटी नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप लोगों का साफ साफ एक मैसेज आएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई है। अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने का मौका मिलेगा माई डियर फ्रेंड, बहुत कोई भी घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। और गाइज, जिन लोगों का आ गया है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का लेटर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट कि लेटर को बिल्कुल ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर से मेरा मतलब है कि एडमिशन वाला लेटर जिनका आ गया है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ध्यान से देखिए उस लेटर को। उसके लास्ट में एक नोट नोट आया होगा, अगर उस नोट में लिखा है नो रिमार्क तो ठीक है, अगर उस नोट में कोई रिमार्क दिया हुआ है तो प्लीज़ उस रिमार्क को अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाना, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पर अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गाइज़ कि प्लीज़ उसको आप लेकर जाना। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे NCHM सिटी से रिलेटेड हर एक बात के अपडेट, और साथ ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, और साथ में अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसके बाद मैं हर संडे को आ जाऊँगा लाइव, और फिर हम वहाँ पर बात करेंगे प्लेसमेंट्स को लेकर, इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर, आप लोगों के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट PDFs मेरे पास पड़ी हुई हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, या मैं अपने कॉलेज से किसी भी टीचर से, मेरी अच्छी बॉन्डिंग है तो उन लोगों से आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट PDFs मंगा दूंगा। आप लोगों को एग्जाम कैसे होंगे, इग्नू के लिए कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, आप लोगों को हर एक चीज़ समझाऊंगा वीडियो बनाकर ही। तो गाइस प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब।